हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आरजे आपका मेरे चैनल आरजेस कॉइन कलेक्शन पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक लंबे ब्रेक के बाद में मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ 10 रुपये के स्मारक कॉइन का। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं सिक्के की डिटेल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये एक कॉइन है 10 रुपये का, जो कि स्मारक सिक्का है। और इस सिक्के को जारी करने का जो विषय है वह है 125 वर्ष राष्ट्रीय अभिलेखागार के। और इस सिक्के को 2016 में जारी किया गया था। फ्रेंड्स, इस सिक्के का जो वेट है वह है 7.71 ग्राम और इसका जो डायमीटर है वह है 27 mm। इसके थिकनेस की बात करें तो वह है 1.8 mm। और शेप जैसा कि देख पा रहे हैं, राउंड शेप में ये कॉइन है। और इसके टाइप की बात करें तो ये है सर्कुलेटिंग कॉमरेटिव कॉइन। और इसका जो पीरियड है वो है रिपब्लिक और जारी करने वाला भारत है। फ्रेंड्स, सिक्के के ऊपर आप देख पा रहे होंगे जारी करने का विषय लिखा हुआ है दो भाषाओं में, एक लैटिन और दूसरा देवनागरी में। आप सिक्के के ऊपर टॉप में देखेंगे देवनागरी में लिखा हुआ है राष्ट्रीय अभिलेखागार, और वही बॉटम में देखेंगे तो आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और बीचों बीच में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी बिल्डिंग, जो कि है नेशनल आर्काइव की। साथ ही उसके ऊपर आपको 125 वर्ष मनाने के उपलक्ष में लोगो बनाया हुआ दिखेगा, कमल के फूल जैसा। और उसी बिल्डिंग के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ईयर, जो कि है 1891, और सिक्के को जारी करने का दूसरा ईयर है 2016। और बॉटम में आप देखेंगे बीचों बीच में बिल्डिंग के, तो आपको 125 वर्ष देवनागरी में और साथ ही ईयर्स लिखा हुआ है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं सिक्के का अगला भाग। ये फ्रेंड्स सिक्के का अगला भाग, और इस पे आप देखेंगे दोनों छोर पर कंट्री नेम देखेंगे लिखा हुआ, एक ओर आपको देवनागरी में भारत और दूसरी ओर आपको राइट हैंड साइड पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। और बीचों बीच में देखेंगे तो आपको अशोक स्तंभ बना हुआ मिलेगा और उसी के नीचे सत्यमेव जयते वाक्य। और सबसे बॉटम में बात करें तो रुपए का निशान और 10 का बड़ा अंक बना हुआ है। फ्रेंड्स, इस सिक्के के मेटल की बात करें तो इसका जो मेटल है वो है बाई मेटलिक। बीचों बीच में आप देखेंगे निकल और कॉपर का मिश्रण यहाँ पर, और जो रिंग है वो है ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम रिंग। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं सिक्के के एज। ये फ्रेंड्स सिक्के का एज, जो कि प्लेन एज है। और इस फ्रेंड्स सिक्के के हम मिंट की बात करें तो इसका जो मिंट है वो है मुंबई मिंट। यहाँ पर डायमंड से बना हुआ है, जो कि हल्का पड़ चुका है। ये देख लीजिए, आपको हल्का हल्का दिखाई देगा यहाँ पे डायमंड बना हुआ, जो कि मुंबई मिंट को दर्शाता है। फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125 वर्ष पर इस सिक्के को जारी किया गया था। और इस सिक्के का वीडियो आपको कैसा लगा
अगर पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और नए कॉइन के साथ में, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।